आपने टोल जो कोटा वाला जो मुद्दा उठाया वहाँ पर आपने कहा कि चिकित्सा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जी, क्योंकि कारपेट बिछाई गई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा चिकित्सा मंत्री को इसलिए इस्तीफा देना चाहिए कि पहली बात तो बहुत लेट वहाँ गए, जब उनको लगा कि जनता थू थू कर रही है तब चिकित्सा मंत्री वहाँ पहुँचे। और सबसे बड़ी बात है कि उप मुख्यमंत्री कल गए, उप मुख्यमंत्री ने जाके कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, सरकार हमारी है। तो अशोक गहलोत और पायलट के अंदर कितनी मतलब दुश्मनी, इस बात का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार कितनी खोखली हो चुकी है अंदर से। और 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत होना अपने आप में शर्मनाक है। और फिर मंत्री का इस तरह का बयान देना कि पूर्व मंत्री ने ये किया था, पूर्व मंत्री को जेल गया था इसका मतलब ये जेल थोड़ी जाएगा भाई, पूर्व मंत्री ने कुछ भी किया होगा उससे क्या है। मंत्री का बयान भी दुर्भाग्यपूर्ण था, अभी तक उस जान से हम लोग संतुष्ट नहीं है। आवश्यकता पड़ी तो आजकल के अंदर हम भी बात कर रहे हैं कि कोटा हमारी पार्टी का आरएलपी का एक डेलीगेशन कोटा के अंदर जाए, आवश्यकता पड़ी तो मैं खुद भी जाऊंगा उस पूरे मामले को। मेरी तो सरकार से मांग है अगर अशोक गहलोत नहीं दूध के धुले तो इस पूरे प्रकरण को सीबीआई को ट्रांसफर कर दे दिल्ली, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये शर्मनाक बात है कि बच्चे इन्फेक्शन से मर रहे हैं हमारे मासूम नौनिहाल, और मंत्री के कारपेट बिछाए जा रहे, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं। 100 से ज़्यादा मौत हो जाती है और उसके बाद यहाँ के जो चिकित्सा मंत्री वो जागते हैं और वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर पहले से दरी बिछी होती है। चिकित्सा मंत्री अभी दूसरे कामों में लगे हुए हैं वो क्या बच्चों से ज़्यादा उनको दूसरे कामों की चिंता, क्या पता वापस नंबर आए कि नहीं आए चिकित्सा मंत्री, बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में पार पड़ी है जाके। एक सर आपका मुद्दा रहा है टोल का, अब टोल टैक्स वापस देश टोल मुक्त हो, स्टेट तो टोल मुक्त हो ही हो। स्टेट में तो जब मैं जोधपुर से पंचायत चुनाव के तुरंत बाद आंदोलन की घोषणा मैंने कर दी, जोधपुर से 2 लाख लोगों कार भरेंगे, उसके बाद सचिन पायलट के इलाके में टोंक अजमेर में रैलियां होगी, तमाम उन जिलों पे जहाँ पहले नहीं कर पाए, और फिर हम राजधानी को घेरेंगे, इस सरकार को भगाएंगे, बेरोजगार किसान और टोल जो हमारे मुद्दे थे उन सबको लेके चलेंगे। इसके अंदर जो भ्रष्टाचार भी जगह जगह में, लोकायुक्त ने वसुंधरा और अशोक गहलोत के खिलाफ 16 FIR दर्ज करने की रिकमेंड की थी, 16 मुकदमे, एक भी दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि दर्ज कौन करता है? सीएम खुद करता है, रिपोर्ट लोकायुक्त को देता है, मुख्यमंत्री को देता है। इसलिए हमने कहा कि मजबूत लोकायुक्त हो जो खुद ही प्रसंज्ञान ले, खुद ही FIR दर्ज करे और खुद का उसका अधिकार, जिस तरह दूसरे स्टेट के अंदर है, अगर लोकायुक्त के FIR का आदेश होता तो वसुंधरा और गहलोत दोनों जेल के अंदर होते। सर आप कहते हो कि किसानों के हम साथ हैं, लेकिन किसान का ही टोल लग रहा है, तो ऐसे में आप किसानों के साथ किस तरह से ये देखते हैं पूरे मामला? क्योंकि तो टोल की तो माफ करने के बाद अनुमान बेनीवाल ने करी, किसी पार्टी ने आज तक मामला नहीं उठाया, ये तो मेरे ही मन के अंदर था लड़ना, भगत सिंह की भूमिका का लड़ूंगा, न्याय दिलाऊंगा, एक भी पैसा नहीं लगना चाहिए किसान का। सरकार जब सुविधा के नाम पर पैसा ले रही है, सेस का पैसा पेट्रोल डीजल से लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, रोड टैक्स लिया, तो टोल किस बात की? टोल सहित मुफ्त बिजली की बात भी हमने क्योंकि राजस्थान बिजली उत्पादन के अंदर बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, दिल्ली बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहा फिर भी आधी रेट पर बिजली दे रहे हैं घरेलू उपभोक्ताओं को। तो हमने कहा राजस्थान बिजली उत्पादन में विंड और सोलर एनर्जी के बाद सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा 2-4 साल के अंदर। तो राजस्थान में किसानों को तो फ्री बिजली करो, 8 से 12 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा, 8 से 12 हजार, 20 हजार करोड़ रुपए दारू से कमाती राजस्थान की सरकार, 20 हजार करोड़ साल के। तो एक तो ये करो आप, और दूसरा पेट्रोल डीजल का और जो आप ले रहे हो उससे जो रोटेक सब टोल माफ करो। ये 3-4 प्रमुख इश्यू थे मेरे हिसाब से, ये जनता के मामले में लेके चल रहे, पहले किसी ने शुरुआत भी नहीं की। और RLP इस मामले का जब ये पंचायत चुनाव का अभी सेकंड फेज पंचायत समिति वार्ड और जिला परिषद जहाँ पे हम RLP लड़ेगी उसकी जैसी घोषणा होगी, उन चुनाव के होने के तुरंत बाद हम जोधपुर से रैली से शुरुआत करेंगे। सर गहलोत सरकार के बनने के बाद ना तो कोई पदोन्नति हो नौकरी की, और जो बात कही गई थी बेरोजगारी भत्ता की वो अब तक पूरी नहीं हो पाई, वही तो आंदोलन करेंगे, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। इनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हो गहलोत और पायलट के खिलाफ, उन्होंने 3500 रुपए की बात घोषणा पत्र में लिख के 1 रुपया भी नहीं दिया, इसका मतलब राजस्थान की बोली बाली जनता को बरगला दिया। बरगलाने का मामला क्या होता, फोर्जरी की, तो 420 में दोनों खिलाफ FIR होनी चाहिए। FIR की मांग को लेकर हम जोधपुर से शुरुआत करें। आने वाले चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे? होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी लड़ेंगे, अभी बता तो दिया सारा। आपका क्या विचार है? मेरा तो विचार है कि कांग्रेस को खत्म करें एक बार राजस्थान में, तो गठबंधन हो जाए तो एक बुराई नहीं, और नहीं हो तो बिल्कुल ही बुराई नहीं। हमारी टीम पूरी स्टेट कानून व्यवस्था 0 है। अशोक गहलोत को अपने बेटे का कैरियर बनाने की चिंता है, और उसको RCA का अध्यक्ष बना के मन ही मन खुश हो रहा है, MP तो हार गया, तो मैंने RCA का अध्यक्ष बना, वो अपने उसमें आ गया। और पहली बार गहलोत के चारों तरफ भ्रष्टाचारियों का जाल बिछा हुआ, वसूली मंथली ये सारा सिस्टम पहली बार CMO से हो रहा है, और 12 से ज़्यादा मंत्री ऐसे जो चौथ वसूली के अंदर कंपटीशन में कि ये मेरे से ज़्यादा कमा रहा है, इसके कितना खोखा आ रहा है, इसके कितना आ रहा है।
ये स्थिति, क्योंकि इनको पता है कि वसुंधरा के टाइम होता है, इनको ये भी है कि वसुंधरा वापस आ जाएगी, भूल जाए कांग्रेस वाले, वसुंधरा राजस्थान के अंदर नहीं आएगी, जितनी चोरी करोगे वापस अलग के अंदर हाथ डाल के निकाल लेंगे जो भी चोरी करेंगे। सर आपकी कार्यकारिणी घोषित आपने कर चुके हैं, जिला अध्यक्ष कब नियुक्त करने वाले हैं? आजकल में कर देंगे हम, है ना, हम चाहते हैं अच्छे जिला अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष के अंदर 20-20, 30-40 लोग जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं एक एक, एक जगह, तो हम ये चाह रहे हैं कि उन सबको एक राय करके जातीय संतुलन, जातीय समीकरणों का ध्यान रखें राजस्थान के अंदर, और हम जिला अध्यक्ष घोषित करें और 33 के 33 जिला अध्यक्ष घोषित करेंगे, एक भी पीछे नहीं रखेंगे। पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं और कहाँ कहाँ आप अपने पूरे स्टेट में चुनाव लड़ेंगे, स्थानीय जो लोकल हमारे जिला अध्यक्ष इकाई होगी वो अगर कहीं समझेगी कि कांग्रेस को मारने के लिए कहीं आवश्यकता है तो वो अपने स्तर पर भी उनको खुली छूट देते हैं, मतलब नंबर एक दुश्मन कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अभी पंचायत चुनाव। थैंक यू सर। मिलता है लोकसभा के अंदर भी मामला उठाता है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि दिल्ली की सरकार किसान और जवानों के लिए मजबूती से काम करेगी, प्रत्येक किसान के खेत में सिंचाई का पानी मिले, जवान को रोजगार के साधन मिले और देश में अमन चैन कायम हो। भाइयों नागरिकता अधिकार जो अभी बिल आया है नागरिकता का, उसके समर्थन के अंदर हम लोग बोले थे वहां पे 370 कश्मीर के अंदर धारा हटी, जनसंख्या पे भी नियंत्रण होना चाहिए, ये बिल भी जल्दी लेके आएंगे दिल्ली के अंदर, क्योंकि जब तक भारत मजबूत नहीं होगा तब तक हम मजबूत नहीं होंगे। भारत को मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत करना और राजस्थान के अंदर आरएलपी का झंडा लहराना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तमाम चौनों की पूरी टीम का मैं आदेश से आभार प्रकट करता हूँ कि रोड शो भी अच्छा किया, जोश खरोश के साथ बैठे रहे, हमेशा मुझे संघर्ष के अंदर आपके बीच पाओगे और हमेशा मेरा साथ आपके साथ रहेगा, सही दिशा के अंदर आपको चलना है, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार जो मेरे भाई बैठे हैं, पुलिस प्रशासन और जितने भी प्रशासनिक अमला है उन सबको धन्यवाद, और बच्चों को धन्यवाद कि आपने पुलिस को परेशान नहीं किया।